10 मिस्टेक्स जो हर एक टॉपर अपने जीवन में अवॉइड करता है तभी वो टॉपर है, या कह लो 10 सीक्रेट जो आपको वो आपको ऐसे कभी नहीं बताएगा जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपके जीवन में आपकी हैबिट बन चुकी हैं, और जब गलतियां हैबिट बन जाती हैं तो जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये 10 गलतियां एंड तक देखिएगा, और आप इनमें से कितनी गलतियां करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, ये 10 गलतियां अवॉइड करने के बाद, इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करने के बाद, जो कि कोई भी अवॉइड कर सकता है, आप भी टॉपर बनने की रेस में एक कदम आगे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना खुद का मोबाइल फोन खरीदा है, ये आज तक बेल पे नहीं हुआ। आपका मेजर हिस्सा इस वाले डब्बे में बीत रहा है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात करूंगा, मजा आ जाएगा आपको। पहली गलती जो हम लोग कर रहे हैं वो है मल्टीटास्किंग। क्या मल्टीटास्किंग एक गलती है? आंसर है बिल्कुल, ये एक गलती है, ये एक मिस्टेक है। कैसे ये मिस्टेक है? मल्टीटास्किंग जो होता है बेसिकली, ये हमारे काम के क्वालिटी को, हमारा जो भी वर्क है उसके क्वालिटी को और उसके एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो अगर आप सिर्फ एक टास्क पे एट अ टाइम फोकस करोगे तो क्वालिटी तो इंप्रूव होगी होगी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, जहां आप बैठे हो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किसी भी और सब्जेक्ट की किताब वहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हो तो सिर्फ माँ बाप से बात करो, और दिमाग में किसी के बारे में भी ख्याल नहीं आना चाहिए, पढ़ाई के बारे में भी नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इंस्टाग्राम चलाओ, कोई और सेकेंडरी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, उस वक्त पूरा एंजॉय करो। द ओनली पॉइंट इज कि मल्टीटास्किंग आपके काम के एफिशिएंसी। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज पे एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ध्यान लगाना। तो अगर हम गहराई में जाके सोचें, अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है और आप पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करते हो, आप खेलते वक्त सिर्फ खेलते हो, तो बेसिकली आप मेडिटेशन ही कर रहे हो। बिकॉज मेडिटेशन इज एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना, इससे आपके काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर मैं 2 मिनट इसके बारे में और बात करूं तो लेट अस सपोज, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ मैथ्स के बारे में सोचना होगा, आपको और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो। जब से मैंने अपने जीवन में पढ़ाना शुरू किया और मैंने अपना खुद का मोबाइल फोन खरीदा है, ये आज तक बेल पे नहीं हुआ। जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं या पेड बैच में पढ़ने आते हैं, उनको पता है मैंने अपना फोन आज तक बेल पे तो छोड़ो, मैंने आज तक वाइब्रेशन पे भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा होता हूं तो मैं किसी की बात नहीं सुनता, जब मैं कुछ अपलोड कर रहा होता हूं, एडिट कर रहा होता हूं, अभी मैं आपके बारे में सोच रहा हूं कि आपका माइंडसेट क्या होगा इस चीज को लेके। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भैया मेडिटेशन हो रहा है। तो मल्टीटास्किंग को आपको अवॉइड करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कहीं आपको लग रहा हो कि मल्टीटास्किंग एक अच्छी चीज है, नहीं। आज से एक काम, एक टाइम पे एक चीज पे आपको फोकस करना है, इससे आपका वर्क का जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी। यार देखो, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस बात को फॉलो करते आए हैं, बहुत सारे लोग एक मूवी पे एट अ टाइम। मैं हर फील्ड से आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अब जैसे कि कोई मूवी बना रहा है, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मल्टीपल मूवीज पे काम करते हैं, दुनिया में जो सुपरस्टार है, सुपर डायरेक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि वो एट अ टाइम सिर्फ एक मूवी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान उधर रहेगा, वो उस करेक्टर में रहेंगे। एक फनी मूवी बना रहे हैं, एक एक्शन मूवी बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, मजा नहीं आएगा। तो हमेशा एक चीज पे आपका फोकस होना चाहिए एट अ टाइम। ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, बट ये कमाल की चीज है। सेकेंड और सबसे कॉमन मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे। हम लोगों को हमेशा से लगता है कि हम लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, हम लोगों को हमेशा से लगता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया है पहले, मुझे आता है, यार मैं तो उससे अच्छा, चलो उससे अच्छा परफॉर्म करने वाली बात अलग है, ये अलग वीडियो में बात करेंगे, कंपैरिजन कितना बुरा होता है। लेकिन अपने ऊपर खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबके अंदर है, इसको हमेशा अवॉइड करना है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था 7 जापानीज टेक्निक्स के अंदर कि आपको एक बिगिनर्स माइंडसेट रखना है, आपको हमेशा से ये सोचना है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको रेगुलरली अपने असाइनमेंट्स के ऊपर आगे भी बात करने वाला इसी वीडियो में, लेकिन रेगुलरली अपने स्टडी मटेरियल को, जितना भी आपके पास सामान है, उसके ऊपर बार बार गो थ्रू करके इंश्योर करते रहना है कि मुझे सब आता है कि नहीं आता है। इसका एक और टेक्निक बताता हूं, बीइंग अ टीचर।
मान लो एक एक्स नाम का टॉपिक है, अब उससे आपने एनसीईआरटी से सारे के सारे सवाल बना लिए, आपने उससे एग्जाम्पलर से भी सवाल बना लिए, अब आप उसके पीवाईक्यूज बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी ये दोनों नहीं किए तो पहले ये दोनों करने हैं, उसके बाद आप पीवाईक्यूज बनाना स्टार्ट कर दो, आपको अपना खुद का लेवल पता चल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कब चूर चूर हो जाता है? जब आप टेस्ट देते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो, क्वेश्चंस देखते हो कि भैया मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मुझे लगता है इससे ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन बनाओ। जितने ज्यादा सवाल बनाओगे उतना आपको अपने बारे में समझ में आएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जा रहे हैं। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, सबको पता है कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है क्वेश्चंस बनाने। थर्ड मिस्टेक के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इसको एक अलग एंगल से सुनेंगे आज, और वो है निगलेक्टिंग हेल्थ। हम सब कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई या बाकी सारे टास्क में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान से बता दूं, बहुत कॉमन सेंस की बात, क्या सर मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ी ना जाना है जो मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक अच्छा दिमाग हमेशा एक अच्छे शरीर में ही एग्जिस्ट करता है। ये बात फैक्ट है, जितना जल्दी समझ लोगे उतना बढ़िया है। एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो आपका दिमाग बहुत सारा समय अपना हिस्सा वहां लगाएगा। कॉमन सेंस की बात है, दिमाग हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, ऑर्गन में कोई हेल्थ फेलियर हो गया, कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, तो आपका दिमाग उस एरिया में यूटिलाइज होगा। लॉन्गर टर्म पे कितने बड़े नुकसान है, मान लो एनडीए जाना है आपको। मैं एनडीए के एग्जाम्पल्स हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने खुद एनडीए का एग्जाम क्रैक किया था, लेकिन मैं आगे नहीं गया था एसएसबी वगैरह में। रीजन क्योंकि मेरे को ऑफलाइन संभालना था, तो घर की मजबूरियाँ कह लो, जो मर्जी कह लो, बट मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ लोगों से जो इस फील्ड में जाता है, मुझे बड़ी पसंद है वैसे। बट द ओनली पॉइंट इज कि मान लो आपको एनडीए में जाना है, पढ़ पढ़ के इतना हालत खराब कर लिया आपने कि आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज हो गई है, तो क्या आपके वहां जाने के चांसेस कम हो जाएंगे? यस। तो भैया अपनी हेल्थ पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। एक टॉपर बच्चा अपने जीवन में, जैसे एक बच्चा मुझसे पूछता, बच्चे ने पूछा था एक मीटिंग बैठे, मुझे एकदम से याद आ गया इंसिडेंस, कि मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हो रहा था। तो मिस यूनिवर्स में मैं बच्चा बोल रहा हूँ, बाबा की आदत हो गई है कि सिर्फ वही लड़कियाँ जीतती हैं क्या जो बहुत सुंदर होती हैं? तो मैंने कहा, क्या आपने कभी मिस यूनिवर्स का कंपटीशन देखा है? वहाँ पे ओवरऑल हर एक चीज़ नोटिस की जाती है। तो एक अच्छी कि वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तभी तो हर एक जॉब्स के अंदर, हर एक रिक्रूटमेंट्स के अंदर इंटरव्यूज डाल दिए गए हैं। तो आपकी हेल्थ और आपका माइंड, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने जीवन में एक बैलेंस डाइट को लेके आना होगा, एक्सरसाइज को ले, एक्सरसाइज का मतलब जिम जाके वेट उठाना ही नहीं होता, वो भी एक अच्छा हिस्सा है, पार्ट है, बट इसका मतलब पार्क में जाके दौड़ लगाना भी होता है, घर में पुशअप्स पुलअप्स मारना भी होता है, गर्ल्स बॉयज सबके लिए। भैया एडिक्वेट स्लीप, मैं अपने जीवन में इसको कभी भी लेके नहीं आ पाया, मुझे अभी भी रिग्रेट होता है। आज के डेट में भी मैं 4 घंटे 5 घंटे ही सो पाता हूँ, ये 5 घंटे मैक्सिमम। तो मैं खुद इस पे काम कर रहा हूं कि मैं कैसे अपने जीवन में समय लेके आऊं, क्योंकि मुझे खुद से लगता है कि अगर मैं ढंग से नहीं सोता हूं तो मेरा एफिशिएंसी लूज हो रही है, अगले दिन मैं अपने आप को 100% एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है ना। तो बेटा ध्यान रखना कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों हेल्दी होंगे, तभी आप एक टॉपर कैटेगरी में आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फोर्थ और सबसे कॉमन बैड हैबिट एक बच्चे की, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि जरूरतमंद चीजों को टालना कि भैया आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के मैं आपको दो बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा जल्दी जल्दी। सबसे पहला तरीका है अपने जीवन के सारे टास्क को 4 हिस्से में बांट लो। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले डब्बे में आना चाहिए वो काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, मैं भी आपको इसका मतलब समझाऊंगा। अगले में आना चाहिए जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगले में आएगा जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और अगले में आएगा जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। और बड़ी कमाल की बात है कि आपका मेजर हिस्सा
इस वाले डब्बे में बीत रहा है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं। आओ जरा समझे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि किसी की शादी पे जाना या मार्केट से दूध लेके आना या कल आपको फाइल देनी है वो। अब ये अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? भैया दूध लेके आना है तो अभी लेके आना होगा, तो आप किसी और के ऊपर टाल सकते हो ये बात। या फिर शादी में जाना है तो भैया बोल सकते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, अर्जेंट तो है, शादी थोड़ी ना रुकेगी, वो तो कल ही होगी, मतलब आज ही होगी, जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जाना। बात को समझ रहे, फाइल, कल फाइल सबमिट करानी है ना, आप सबको पता है फाइल की क्या अहमियत है हमारे इंडिया में, तो फाइल कल ही सबमिट होगी, तो आप अपनी बहन से, अपने भाई से, इनसे ये फाइल बनवा सकते हो। तो ये वाले कॉलम की एक लिस्ट बनाओ रोज। अब जो काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऑब्वियस बात है, पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, मतलब ये अर्जेंट नहीं है, अगर आज चल के कल हो जाएगी तो समझ में आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये करना तो है, चाहे आज नहीं तो कल करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब जो इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, जैसे कि 3 दिन बाद मेरा कोई यूनिट टेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट भी और 3 दिन में आ रहा है तो ये अर्जेंट भी है, या कल मुझे ट्यूशन में एक असाइनमेंट बना के लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, तो आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। लेकिन लास्ट कॉलम होता है जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों से बेकार की बातें करना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैठे रहना, किसी के ख्यालों में खो जाना। ये वाले हिस्से में अगर आप अभी इस वीडियो को यहीं रोक दो या इस वीडियो के बाद, ये चारों के चारों कॉलम में अपने दिन की चीजें लिखना, आपकी सबसे ज्यादा चीजें यहां भरेंगी। फिर आप कहते हो प्रोक्रास्टिनेशन, नहीं भाई साहब, आप काम का, आपका काम में आलस नहीं है, आपने अपने जीवन में टाइम टेबल नहीं बनाया, आपने अपने जीवन में टास्क नहीं बांटे हैं। अब ये तो हुआ भैया, प्रॉब्लम क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो भैया ये डब्बा खाली करो और ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा भरो, ये दोनों डब्बे खाली करो सबसे पहले, तो कैसे मर्जी करो, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक और बड़ा अच्छा तरीका है, वो है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, अपने टास्क को छोटे 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 हिस्सों में बांट दो। जैसे कि आप 1 घंटा लगातार, मैं पहली बात तो हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर 99% बच्चे 1 घंटा लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ नहीं सकते, ये मैं रिटर्न में दे सकता हूं, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्यों पढ़ना है 1 घंटा, 15 मिनट पढ़ो ना, 15 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप दो, फिर 15 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप दो, धीरे 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 15 मिनट का जो आपका स्लॉट है वो आधे घंटे का बना दो, आधे घंटे का जो स्लॉट है 45 मिनट का बना दो। और ये मेरे मुंह से आप नई बात तो नहीं सुन रहे हो, अगर आप ऐसे वीडियोज देखते रहते हो तो ये हर इंसान ने आपको हर बार बोला है कि भैया टास्क। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि आपको डेडलाइंस देनी होंगी अपने आप को, इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात करूंगा, मजा आ जाएगा आपको। प्रोक्रास्टिनेशन को तो मैं बहुत करीब से जानता हूं, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, सुनना भाई। जैसे कि क्या होता था, जब मुझे यूट्यूब के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती तो मैं बहुत ज्यादा उसको टालता था, क्योंकि अगेन ना वो टालता क्यों था, क्योंकि एक दिन लेट भी हो जाएगी समझ में आएगा। लेकिन इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा काम एक्चुअली में बहुत ज्यादा टलने लग गया। तो मैंने क्या किया, अपने ही एकेडमी के अंदर, आपने, आपको शायद पता भी नहीं होगा, बहुत सारे वन शॉट्स मैंने बच्चों के साथ रिकॉर्ड किए, बस उनको बोलता था कि चुप बैठ जाओ, कुछ बोलना मत, क्योंकि जब बच्चा मेरे सामने बैठा होगा तो मैं उस काम को टाल नहीं सकता। मैंने कुछ कुछ बच्चों को इतनी दूर से बुलाया हुआ है, मैंने डेडलाइन दे दी कि भैया 13 मार्च, ऐसी डेट बोल रहा हूँ कोई भी, 13 मार्च को, 13 मार्च को इतने बजे आना, ये चैप्टर पढ़ देंगे। अब उनको मैंने कमिट कर दिया, एक डेडलाइन सेट कर दी, तो मुझे वन शॉट रिकॉर्ड करना ही पड़ा। तो डेडलाइन बना दो, दोस्तों के साथ बना लो कि भैया आज रात को ना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसमें मैं इतना काम भेजूंगा ही भेजूंगा। जो नहीं भेजेगा एक दूसरे का मजाक उड़ाएगा, आपको लगेगा यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। तो डेडलाइंस बनाना बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाओ, दोस्तों के साथ मिलके, खुद से अकेले, और इससे प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गारंटी देता हूं। अब जो 5th mistake है वो बेसिकली कहीं ना कहीं 4th से मिलती जुलती है, और वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको पीछे कॉलम दिखाया, इस कॉलम के अंदर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है ना, बिकॉज आपकी ज्यादातर चीजें तो यहां हो रही। जो एक टॉपर बच्चा है, जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, जो जीवन में हर चीज में अच्छा है, उसका मेजर हिस्सा यहाँ और यहाँ जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ जा रहा है। तो हमें इन दोनों कॉलम से शिफ्ट होके इन दोनों कॉलम में जाना है, ये बात ध्यान रखना। पुअर टाइम मैनेजमेंट को
पुअर टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऑब्वियसली बात है कि हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप प्लानर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल कैलेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, चलो ये सब तो बहुत फैंसी वर्ड्स हैं, सामने चिपका सकते हो कि मैं आज इतने बजे ये करने वाला हूँ, इतने बजे ये करने वाला हूँ, ये आपको पता है। वैसे तो असाइनमेंट्स को सही, जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि मुझे नहीं पता आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मान लो आप कह रहे हैं कि मैं पांच से आठ बजे तक ये असाइनमेंट ही करूंगा, मैं इस टाइम के दौरान और कुछ नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि आपने 2 घंटे फिक्स कर लिए, अब अगर आपको स्कूल से कुछ काम मिला हुआ है तो आप उसमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय ही निकालोगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे ऑफिस के अंदर ही हम लोगों ने क्या कर रखा है कि भैया सुबह 8:30-10:30 बजे तक हम लेट से इंस्टाग्राम के लिए रील्स निकालेंगे, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग शूट करेंगे। अब मान लो कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया लेट से, तो मैंने कहा नहीं भैया 10:30 से 8:30 बजे तक मैं इंस्टाग्राम के रील निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम आया तो मुझे उसके लिए रात को एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये टाइम स्लॉट छेड़ूंगा नहीं, जितना हो सके उतना तो नहीं छेड़ूंगा। तो इस तरीके से आप कुछ टाइम रख सकते हो। और हाँ, ऑब्वियस बात है, अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जापानीज टेक्निक कि भैया थोड़ा रेस्ट करना, बीच बीच में गैप्स लेना, अपने हैबिट्स को टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो टाइम को मैनेज करो। अगली वीडियो प्रॉमिस कर रहा हूँ टाइम टेबल के ऊपर आएगी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल आप खुद से अपने लिए कैसे बना सकते हो, कोई आपके लिए नहीं बना सकता, ध्यान रखना, ठीक है? अगली वीडियो आ रही है पक्का। 6th मिस्टेक है आपकी निगलेक्टिंग सॉफ्ट स्किल्स। अब पहली बात तो ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, देखो हम सब अपने जीवन में मेजर स्किल्स पे काम हमेशा से करते आ रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गया, मैथ्स हो गया, कैलकुलेशन हो गई, इंग्लिश बोलने की आदत हो गई, लोगों से बोलने की आदत हो गई, सेमिनार्स हो गए, स्पीकिंग स्किल्स हो गए, अबैकस कई लोग सीखते हैं, मैंने देखा है वैदिक मैथ्स सीखते हैं, हम लोग इन स्किल्स पे हमेशा से अपने बच्चों को या हम खुद भी काम करते आए हैं, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक सॉफ्ट स्किल्स को जो है उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। और आप अगर नोटिस करो तो एक बच्चा इन छोटी छोटी चीजों से ही बहुत आगे बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए मतलब क्या है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जैसे कि हॉट्स क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले स्किल्स वाले जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे आपने वो वाले क्वेश्चंस देखे होंगे कि पापा की, मम्मी की, बहन के, भाई का, चाचा के, फूफा का, तुम्हारा क्या लगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल है। या पहेलियां होती हैं बड़ी डिफिकल्ट, या कभी कभार कुछ ब्रेन गेम्स होती हैं जो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, दुनिया जान की शेप बनानी होती है, बॉल को इधर गिराना होता है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और इससे आपके दिमाग के और ज्यादा लोब्स ओपन होते हैं बेटा। कम्युनिकेशन, ये तो चलो आज के डेट में बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको आज ही करना चाहिए। इसके लिए आप स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो, अभी इसमें आगे एक पॉइंट भी आएगा। कभी भी डरो मत, आपको लगता है बुरा करोगे लेकिन करो ज़रूर, स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, जितने भी आपको लगता है स्कूल में कोई गेम्स हो रही हैं, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है और आपके लायक है, हमेशा उसमें पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क अलॉन्ग साइड, इसके लिए आपको ग्रुप स्टडीज पे काम करना चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो। मैं यहाँ आपको लिखित में दे सकता हूँ कि जो ग्रुप स्टडी है, अच्छा ग्रुप, देखो भाई साहब एक पेटी में एक सड़ा हुआ आम सारे आमों को सड़ा सकता है, आप ये बात जानते हो। तो आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो और जेन्युइनली करना चाहते हो तो 4-5 दोस्तों का अगर आपका ग्रुप है तो वो 4-5 बच्चे जेन्युइनली पढ़ने आने वाले होने चाहिए। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये चीज कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने कुछ बच्चों को एवरेज से टॉपर बना दिया है। ग्रुप स्टडी में वो ताकत है क्योंकि यहां पे आपको एक दूसरे को कुछ प्रूफ करना होता है। आप जिम देखो, अगर मैं आपको बोलूं आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो ऑनलाइन और घर में एक्सरसाइज मारो, मार लोगे एक आध हफ्ता, लेकिन जब आप जिम में जाते हो दूसरे लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, ये आप देखते हो यार ये मेरे से पहले जो बंदा मार के आया 20 किलो मारा, आओ मैं भी मारता हूँ। द पॉइंट इज कॉम्पिटिशन होता है, कुछ प्रूफ करना होता है आपको, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है अगर आपसे बेहतर कोई ग्रुप स्टडी में काम कर रहा है तो। हाँ, आप ही बेहतर हो सबसे ज्यादा तो आप घर। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप एक रूम में और वहां पे आप सबसे होशियार हो तो आप गलत कमरे में बैठे हुए हो, क्योंकि आप उनसे कुछ सीख नहीं पाओगे बल्कि सिखा के ही आओगे, है ना भाई।
एकेडमिक नॉलेज टू बिकम वेल राउंडेड। देखो भैया, मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो तो आप अच्छे नहीं हो, आपको हर फील्ड में अच्छा होना होगा। तो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो। मैं इसके लिए एक और सजेशन दूंगा, बुक्स पढ़ना शुरू करो। मैं बुक्स एकेडमिक्स बुक्स नहीं कह रहा हूँ, दूसरी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ चलो किताबों के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी किताब आपको आपके जीवन में क्या सिखा सकती है, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए जो आपका जीवन बेहतर कर देगी, ये वाले वीडियो लेके आऊंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन अपने जीवन में जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसका सोचने का तरीका ही अलग होता है बाकियों से। भले पैसे वाइज जीवन में कामयाब ना हुआ हो, बट नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, एज अ ह्यूमन वो हमेशा अच्छा करता है। अगली मिस्टेक है, आप असाइनमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। असाइनमेंट्स कब बनाने होते हैं? 100% सिलेबस के बाद। बस यही तो गलती कर दी आपने। कभी अपने टॉपर दोस्त से पूछना कि उसने असाइनमेंट बनाने कब स्टार्ट किए थे। क्या 100% सिलेबस पे? तो मोस्टली टॉपर्स ने 50% से लेके 60% सिलेबस पे ही असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिया था। पहली बात तो आप कोई भी चैप्टर 100% कर ही नहीं सकते, आपका जीवन बीत जाएगा, आपके टीचर्स हम लोग भी नहीं जानते 100% किसी चैप्टर को। बात को समझना गहराई से जाके। तो आपको असाइनमेंट शुरू कर देने चाहिए जब आप 50-60% इंश्योर कर चुके हो कि यार मुझे चैप्टर आता है, क्योंकि जो टॉपर है उसने असाइनमेंट करना शुरू कर दिया, वो नए क्वेश्चन देखने लग गया। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, आंसर पढ़ता और कुछ नया सीखता और उसको याद हो जाता है। तो असाइनमेंट्स आपको करना शुरू करना होगा जल्द से जल्द बाकियों के मुकाबले। सफिशिएंट टाइम देना होगा रिसर्च पे टाइम देना बहुत जरूरी है। एक बार एक बच्चा एक किताब लेके आया, मैं नाम नहीं ले सकता, आपको पता प्रॉब्लम हो जाएगी। उस किताब, वो बायो के लिए ना कुछ सवाल, 10th का बच्चा था, बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। 10th का बच्चा था, बायोलॉजी के सवाल बना रहा था और मेरे पास बड़ा टेंशन में आया। कहता, सर ये सवाल मेरे से बन नहीं रहे, ये नहीं बन रहे। मैंने कहा, बेटा एनसीईआरटी खोल जाके और देख क्या है टॉपिक तेरी एनसीईआरटी में है, और लास्ट 10 साल के पेपर उठा, क्या देख, ये सब आया हुआ है। उस किताब में खासकर बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, खासकर बायो वाला जो हिस्सा था, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इतना कुछ एक्स्ट्रा था उसके अंदर कि बच्चा कंफ्यूज हो गया। इसीलिए मैं हमेशा खासकर बोर्ड के बच्चों को ये बोलता हूँ, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा सिर्फ जिस पे काम करना है वो एक ही चीज है, और वो है PYQs, क्योंकि PYQs आपको ये बताएंगे कि आप एक्चुअली में सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। मान लो आपने एक ऐसी किताब उठा ली, असाइनमेंट उठा लिया जो आपने बहुत आसान उठा लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा कि यार मेरे को जॉब आता, ऐसा नहीं। या फिर आपने एक ऐसी किताब उठा ली जिसमें सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के, वो आपके कॉन्फिडेंस गिरा देगा। तो इसलिए हमेशा रिसर्च करो क्या 10 साल में आया है, कौन से सवाल में ज्यादा बनाने हैं, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर कौन सा है, ड्राफ्टिंग करो और फिर रिवीजन करो, है ना भाई। ड्राफ्टिंग करो मतलब अब आप बना, अच्छा इस चैप्टर से इससे इतना ज्यादा आया, इससे इतना ज्यादा आया, इससे इतना ज्यादा आया, मैं यहाँ पे अटकता हूँ, अरे मुझे इस पर ज्यादा मेहनत करनी होगी, चलो आज से असाइनमेंट शुरू कर देता हूँ। असाइनमेंट्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत ताकतवर चीज है असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, PYQ, DPP, जो भी आप इन्हें नाम दे लो। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, पता नहीं क्यों इतनी गंदी आदत है हमारी, पता नहीं क्यों हम शेम फील करते हैं जब हम किससे कुछ पूछते हैं तो, कि यार मैंने पूछ लिया यार, उसको मुझसे ज्यादा आता है यार। मुझे याद है हमारे टाइम पर जब हम लोग, मैंने अपने जीवन की सबसे पहली ट्यूशन जो बाहर जाके लगवाई थी वो 11th क्लास में लगाई थी, यहाँ तक मुझे याद है, घर पर तो शांत सर से मैं पढ़ता ही था। तो 11th क्लास में जब हमें कोई भी टॉपिक समझ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ट्यूशन क्यों लगवाई, क्योंकि मुझे डाउट्स पूछने हैं, क्योंकि जो पढ़ाई बेसिक हो रही है वो तो मैं स्कूल में ही पढ़ता था, मुझे बड़ा अच्छे से पढ़ाते थे वो स्कूल वाले, हमारे स्कूल की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे ट्यूशन लगाना था बिकॉज मेरे मन में कुछ सवाल थे, मुझे उनके जवाब जानने थे। आजकल मैं देखता हूँ बच्चा आता है 1-2 घंटे की ट्यूशन पढ़ता है और घर चला जाता है, बैच के अंदर 100 बच्चा है अगर, तो 5 बच्चा ऐसा जो हमसे रेगुलरली डाउट पूछ रहे, बाकी पूछ नहीं रहे। द ओनली पॉइंट इज क्यों भैया, हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है, और आप टीचर्स तो वैसे भी हेल्प मांग ही नहीं रहे हो। यहाँ पे मैं बात अपने दोस्तों से भी करना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स से भी करना चाहूंगा। मैंने बताया ना दूध लेने वाली बात, अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो मम्मी से बोला कि मम्मी प्लीज अगर हो सकता है तो आप ले आओ, या छोटे भाई बहन को भेज दो जो अभी इस वक्त फ्री है थोड़ा सा, लेकिन मेरे बोर्ड के पेपर है, मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे अभी थोड़ा सा फ्री कर दो। रीच आउट टू टीचर, टीचर से हेल्प मांगो,
ट्यूटर से हेल्प मांगो या फिर अपने क्लासमेट से। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, संगति ही डिसाइड करती है आप क्या बनोगे, ये आप जानते हो। आपको पता है हम लोग क्या गेम खेलते थे स्कूल के अंदर, हमारे चार पांच दोस्त होते थे, मुझे अभी भी याद है हम लोग क्या गेम खेलते थे। हम ना पर्ची, एक बोल लेते थे, बोल एक कटोरा ले लिया एक प्रकार से, और उसमें पर्चियां रखते थे। मान लो हमने चैप्टर डिसाइड किया आज लेटर से रे ऑप्टिक्स, एक चैप्टर है, उसके 20 टॉपिक बनाए, पर्चियां डाल दी और पर्ची उठाते थे। पर्ची जिसके हाथ में जो आई वो उसको पूरे को पेपर पर सॉल्व करेगा, नहीं करेगा तो हर एक बच्चा उसको एक एक पनिशमेंट देता था। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। हम लोग इतने ज्यादा क्लासमेट्स के साथ खेलते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, घर पर रात को पढ़ते थे, तो हमारे वीडियो कॉल वगैरह तो होता नहीं था, खैर कॉल भी बड़ी महंगी होती थी, तो जनरली ऐसा था कि छोटा मोटा फ़ोन पे बात कर ली तो कर ली। तब रिलायंस नया नया आया था, बड़ा सस्ता था उस दौरान, तो जिसके पास होता था रिलायंस वो कॉल कर दिया करता था, ऐसा होता था। जब हम लोग नए नए ट्वेल्थ में आए थे, शायद व्हाट्सएप तब आया था, तब व्हाट्सएप पे बात होना शायद कॉलेज में आया था, याद नहीं आ रहा। द पॉइंट इज, मैंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ हेल्प मांगने का नेचर कभी भी लूज नहीं किया। मैं हमेशा उनसे उनकी मदद मांगता था जहां पे भी मैं फंसता था। और आपने नोटिस किया होगा, हर एक टॉपर बच्चा हमेशा अपने टीचर से 24 घंटे सवाल पूछता रहता है, कभी कभी बाकी बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो आपको अपने टीचर से हेल्प मांगनी होगी, ट्यूटर से हेल्प मांगनी होगी, अपने से ऊपर दोस्त जो है जो पढ़ाई में ऊपर है उससे हेल्प मांगनी होगी, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। और हमेशा मैं ये सलाह एक और दूंगा आपको, क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करना जरूरी क्यों है? दो रीजन से। एक तो ठीक है, क्या पता आपका दोस्त आपका टीचर कहीं ना कहीं कुछ विश्वास रखो पूरा, लेकिन क्रॉस चेक से मेरा कहने का एक्चुअल मतलब ये कि खुद भी जाके गूगल करो, चेक करो, बिकॉज आज के दिन में गूगल चैट जीपीटी क्या क्या आ गया, जिससे आपको डबल रिविजन हो जाएगा। चेक से मेरा कहने का मतलब है आपके टीचर आपको किसी सर्टन भाषा में बताएंगे, आपके दोस्त सर्टन भाषा में बताएंगे, गूगल सर्टन भाषा में बताएगा, क्या मजेदार चीज है। अगर एक टॉपिक डिफिकल्ट है आपके लिए तो प्लीज हेल्प मांगना शुरू करो। हेल्प ना मांगना एक गलत बात है, हेल्प मांगना एक अच्छी आदत है, बुरी आदत है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, इसके ऊपर पीछे बात कर चुका हूं। अपने स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेना जो कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है। अपने स्कूल की एक्टिविटीज में जो आपके लायक है, मैं ये नहीं कह रहा आप डांस करना शुरू कर दो, जिसका इंटरेस्ट है वो जा रहा है, लेकिन आपके स्कूल में आपके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ हो रही है, मॉडल बनाना हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है, टीचिंग एक्टिविटीज हो रही है, स्पीच हो रही है, डिबेट सेशंस हो रहे हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू करो। ये आपके सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करेगा, और सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होंगे तो दिमाग और खुलेगा, और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से मिलोगे, नई जानकारी मिलेगी, नए दोस्त बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके पढ़ाई में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए इन सबसे। मान लो आपका कल पेपर है और आप आज 4-5 घंटे की चीज को दे रहे हो, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। तो सही तरीके से सही समय पे आपको पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। एंगेज इन क्लास इन डिस्कशंस एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ग्रुप प्रोजेक्ट्स मैंने बताया, दोस्ती यारी बढ़ेगी, होशियार लोग मिलेंगे, आपसे बेहतर लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, अगर बेहतर नहीं भी मिलते हैं तो भी। लर्निंग एंड बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, ये इंप्रूव होगा बेहतर तरीके से। लास्ट और सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर रहा है वो है इग्नोरिंग फीडबैक। फीडबैक जब भी आपको मिलता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स, चाहे वो आपके टीचर से मिले, आप उस पर काम नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी गलती है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, हो सकता है आप इससे कुछ समझ पाए। एक रेस्टोरेंट में मैं अपनी फैमिली और अपनी मामा जी की फैमिली के साथ खाना खाने गए हुए थे। रक्षाबंधन का दिन था, मुझे आज भी याद है। और उस दिन उस रेस्टोरेंट में एक वेटर था जिनके नाखून बहुत बड़े थे और उसमें गंदगी चिपकी हुई थी। हम सब ने नोटिस किया, मतलब मैंने, मेरी सिस्टर ने, उशांग सर ने, लेकिन हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर उन्होंने खाना खा लिया, हमने बिल पे कर दिया, फिर ना जाती बार उन्होंने रिसेप्शन पे हमसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाया कि आप फीडबैक दे दीजिए, खाना कैसा लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें मेरी सिस्टर ने, जो मेरी कजन सिस्टर है, उसने वहाँ पे मेंशन कर दिया वो बात, वो प्रॉब्लम। तो मैंने उसको मना भी किया कि मत कर, पर उसने कहा नहीं, ये वो फीडबैक पूछ रहे तो हमारा बताना फर्ज है, अब वो उसको फॉलो करे चाहे ना करे। आपको यकीन नहीं होगा, नेक्स्ट डे और दी अदर हमें कॉल आया कि हम उसके लिए माफी चाहते हैं, आज के बाद वो गलती रिपीट नहीं होगी। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी गलती मानी और उस पर उन्होंने अमल करने को बोला। सबसे पहली क्वालिटी तो ये अच्छी है। सेकेंडली, हम उस रेस्टोरेंट में कुछ टाइम के बाद दोबारा गए, काफी महीनों के बाद, लेकिन दोबारा गए,
और वहां जाके हमने ऑल दो वो हमें नहीं पहचान पाए कि हम वही हैं ऐसे ऐसे करके, कि उन्होंने ये नहीं बोला सॉरी सॉरी, लेकिन हमने नोटिस किया छोटा सा, हमको ये पहले से था कि यार आज जाएंगे देखते नाखून बड़े हैं कि नहीं, एक फनी वे में भी हम लोग बात कर रहे थे, बट वहां जाके देखा ऐसा नहीं था। द ओनली पॉइंट इज, हो सकता है उस दौरान वो एक पर्टिकुलर वेटर अपने नाखून काट के ना आया हो। बात यहाँ पे नाखून काटने या ना काटने की नहीं है, बात यहाँ पे हो रही है कि क्या उन्होंने अपने फीडबैक पे काम किया, क्या उन्होंने अपनी गलती मानी। आंसर है यस। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है और आप ऐसे चौड़ में बोल दो कि नहीं यार मैं तो परफेक्ट काम कर रहा हूं, तुझे लग रहा है मैं गलत हूं, आप अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, आप कभी भी अपने जीवन में टॉपर लिस्ट में नहीं जा पाओगे। ध्यान रहे सब, मैं तो चाहता हूं हर एक इंसान मुझे फीडबैक दे, तो बल्कि आप तो फीडबैक ढूंढो, आप तो ढूंढो फीडबैक कि भैया मुझे कोई बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं उस पर काम कर सकूं, और आप उस गलती पे काम करना शुरू करो, चाहे वो टीचर्स आपको दे, चाहे वो पेरेंट्स आपको दे, चाहे कोई भी दे, क्योंकि फीडबैक ही इकलौती ऐसी चीज है जो आपको दिन पर दिन इंप्रूव कर सकती है। इन 10 मिस्टेक्स को एक्चुअली में अगर आप अवॉइड करते हो तो आप अपने जीवन में बेहतर इंसान तो जरूर बनोगे, एक पढ़ाई में आपको अपग्रेडेशन जरूर मिलेगा और आप उस टॉपर वाले रेंज में भी बहुत आसानी से आ सकते हो। अगले वीडियो टाइम टेबल के ऊपर लेके आने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, और ऐसी वीडियो होगी जो आपने आज से पहले टाइम टेबल के ऊपर कभी नहीं देखी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।